नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, इससे पहले मेरे चैनल का नाम टेरेस गार्डनिंग था, पर अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा जो अभी मैंने बदल लिया है और इसको टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी किया है। चूँकि हम लोग टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं, बालकनी गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग करते हैं, तो यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, बिना टेक्निक के हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज किया है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी मुझे उसी तरह से प्यार देंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंजीर फिग फ्रूट प्लांट्स की। क्योंकि बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि आप अपने टेरेस पे, क्योंकि मिट्टी कम होती है, तो पॉट्स में, ग्रो बैग्स में फ्रूट प्लांट्स, जो कि सर्वाइव करना थोड़ा उनका मुश्किल होता है, तो आप टेरेस पे गमलों में नहीं उगा सकते। तो उन लोगों के लिए मैंने, चूँकि एक पहले वीडियो डाला था अमरूद के पौधे का, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, वो करीब 97K से ऊपर व्यूज़ हैं उसके, उसमें भी मैंने दिखाया था कि इतने सारे अमरूद के फ्रूट्स मेरे गमले में लगे हुए थे। और अभी भी देखिए, सारे फ्रूट्स, कुछ नए फ्रूट्स आ चुके हैं और नई नई फ्लावरिंग हो रही है मेरे अमरूद के पौधे में। तो इसी में मेरे पास, चूँकि ऐसे तो लगभग सभी फ्रूट्स के प्लांट्स हैं और अच्छी ग्रोथ के साथ हैं, तो मेरा अंजीर का पौधा जिसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी केयर के साथ साथ इसकी शेयर किया जाए। तो ये मेरा अंजीर का पौधा है दोस्तों, 1.5 साल पुराना है, और इसमें मैं ये दूसरी बार फ्रूट्स आए हुए हैं। और देखिए, फ्रूट्स की साइज जितनी आम साइज होती है फ्रूट्स की, उस उतनी ही है। और अंजीर के पौधों में दोस्तों कोई ख़ास केयर नहीं मांगता है, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आपको जब आप अंजीर का पौधा लगाएंगे, तो इसके लिए आपको 50% गार्डन सॉयल और 50% में 30% काउडंग कंपोस्ट और 20% कोकोपीट, या फिर आप रिवर्स सैंड भी यूज कर सकते हैं। ये आपको अंजीर का पौधा लगाते समय आपको मिट्टी तैयार करनी है। और दोस्तों, आप इस तरह से मिट्टी तैयार करके आप अपने अंजीर के पौधे को उसमें लगाइए। और अंजीर के पौधे में आपको परमानेंट कोई स्पेशल केयर नहीं करनी है, इसकी जो केयर करनी है इसको मैं आपको बताऊंगा कि कब कौन सी कंपोस्ट देनी है, मैंने कौन सी कंपोस्ट दी है और कितना वाटरिंग किया है, किस प्रकार मैंने इसकी केयर की है कि मुझे इस तरह से फ्रूट्स इसमें मिल रहे हैं। चूँकि, और वीडियो के आखिरी में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अंजीर के एक पौधे से आप ढेर सारे पौधे कैसे बनाएंगे, क्या तरीका है, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें। तो दोस्तों, मैंने इस अपने पौधे में, देखिए मैंने जो 15 इंच ग्रो बैग में लगाया हुआ है, इसे, ये 15 इंच का प्लास्टिक का ग्रो बैग है, इसमें मैंने लगाया है, बहुत बड़ा ग्रो बैग नहीं है। तो इसमें जो केयरिंग है, आपको जब तक इसमें फ्लावर नहीं आते हैं, फ्लावर चूँकि अंजीर में आते नहीं दोस्तों, सीधे फ्रूट्स ही आते हैं और उस फ्रूट के अंदर ही इसके फ्लावर्स होते हैं, तो जब तक ये फ्रूटिंग की स्टेज पे नहीं होता है, तो आपको इसमें महीने में एक बार काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट अगर आप देते हैं तो वो पूरी तरह से सड़ा हुआ होना चाहिए, गीला कंपोस्ट नहीं, गीला काउडंग कंपोस्ट नहीं होना चाहिए, तो पूरी तरह से सड़ा होना चाहिए, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए। और उसे देने का जो तरीका होता है दोस्तों, इस तरह से हम मिट्टी को इस गुड़ाई कर लेते हैं हल्की हल्की, और गुड़ाई ऐसे करते हैं कि जड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि इसकी जड़ें देखिए आप ज़्यादा डीप नहीं होती हैं, यहीं फैली होती हैं सतह के पास ही, तो इसको इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से गुड़ाई कर लीजिए। और गुड़ाई करने के बाद आप एक प्लांट में 200 ग्राम कंपोस्टिंग कर देते हैं, तो उतना पर्याप्त होता है। ये देखिए इसकी जड़ें हैं, तो ये जो फीडर रूट्स होती हैं इनके पास ही आपको, ये देखिए मेरा बहुत ही अच्छा सड़ा हुआ काउडंग कंपोस्ट है ये, तो आप इस तरह से इसको यहाँ पे डाल लीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक इसमें फ्रूटिंग नहीं होती है, तो महीने में एक बार, जब इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए और फ्रूट्स अभी लग रहे हों, तो इसमें एक बार काउडंग कंपोस्ट आप इस तरह से दीजिए और उसमें फुल वाटरिंग कर दीजिए। और फुल वाटरिंग करने के बाद सेम प्रोसेस यही हमने दूसरी तरफ भी गमले के चारों तरफ से एक ये करना है,
पूरे गमले में हमने किनारे किनारे की मिट्टी को थोड़ी उकेर लेनी है, और उकेरने के बाद उसे कंपोस्ट से डाल के ढक देना है और फिर वाटरिंग कर देनी है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि ये प्रोसेस वाटरिंग का, जब इसमें फ्लावर फ्रूटिंग हो जाती है तो फ्रूटिंग हो जाने के बाद आपको वाटरिंग इसमें कम कर देनी है, क्योंकि अगर उसके बाद भी आप वाटरिंग करते रह जाएंगे तो फ्रूट्स मैच्योर नहीं होंगे और वो ख़राब हो जाएंगे। जो भी पौधे हमारे होते हैं जो हमने पॉट्स में लगा रखे हैं, इन्हें फ्रूट्स आने के बाद वाटरिंग की आवश्यकता कम होती है। जितना ज़्यादा वाटर देंगे उतना नुकसान पहुँचाएँगे। तो इस तरह से हमने इसमें कंपोस्टिंग कर देते हैं हम। ये आम दिनों की बात है, जब इसमें फ्रूट्स आने लग जाएं तो आपको जब छोटे छोटे फ्रूट्स हों तो आपको एक बार कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट इसमें देना है और फिर वाटरिंग कर देनी है। और उसके बाद आप इस तरह से देखिए, मैं इसमें लिक्विड कंपोस्ट है जो कि मैंने प्याज के छिलकों से बनाई है, इसकी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। ये प्याज की कंपोस्ट जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो आप जो कंपोस्ट, लिक्विड कंपोस्ट प्याज के छिलके से बनाते हैं, इसका 50 ml आप 1 लीटर पानी में लेके इसमें वाटर डालिए और फिर आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ इसमें मिलेगी आपको और अच्छे फ्रूट्स भी साथ में मिलते रहेंगे। तो दोस्तों बस यही दो कंपोस्ट है जो मैं अपने अंजीर के पौधे में देता हूँ और अंजीर का पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से बढ़ता है। और इसकी जो इसमें इंसेक्ट्स हैं, देखिए ये बहुत कम माइनर अटैक होता है इस पर, तो आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, महीने में एक बार करेंगे उतना सफिशियंट है। फिर दोस्तों इसमें पानी का खास ख्याल रखना है कि जब आपके फ्रूट्स लगने स्टार्ट हो जाएं तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार ही इसमें वाटरिंग करें। देखिए जैसे मेरी मिट्टी है अभी, आप देखिए इसमें फ्रूट्स, मिट्टी पूरी तरह से ड्राई है, तो इसमें मिट्टी में पानी जमा हुआ नहीं होना चाहिए। जब फ्रूट्स लग जाएं तो हफ्ते में 1 से 2 बार ही वाटरिंग करें, इसमें पानी इकट्ठा ना हो, मिट्टी ड्राई हो, तो आपके प्लांट्स में फ्रूट अच्छे बढ़ेंगे, अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। अब आइए दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अंजीर के पौधे को एक पौधे से ढेर सारे पौधे कैसे बनाएं। चूँकि ये देखिए दोस्तों, मैंने इस ब्रांच में मेरे कोई अंजीर का फ्रूट नहीं लगा हुआ था, तो मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी। प्रूनिंग करने के बाद से इसमें नए नए ब्रांचेस निकलने लगे, तो जो मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे ये अंजीर मैच्योर हो जाएँ, पक जाएँ। जब अंजीर मैच्योर होते हैं तो आपको मैं दिखाऊँ, ये साइड से यहाँ से ये जो है ये हल्का हल्का फटने लगता है और रेड, ये मैरून कलर का हो जाता है। तो जब ये मैच्योर हो जाएंगे फिर दोस्तों मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करूँगा, तो उससे मेरा ये पौधा भी घना होगा। और ये जो हार्ड प्रूनिंग में मैं इसमें से डंडियाँ इसकी निकलेंगी ब्रांचेस, इनको मैं, आप चाहें तो एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं डायरेक्ट इसी पौधे में ही, या फिर इसकी कलम आप लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी इसकी कलम लगाना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाती है इसकी कलम। तो आप इस प्रकार अंजीर के एक पौधे से कई सारे पौधे बना सकते हैं और ढेर सारा अंजीर आप अपने टेरेस पे, अपने गमलों में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद।